पिछले 4 साल से किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं, कर्ज माफी की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही। अब किसानों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, पर सरकार के रवैये नहीं बदल रहे। आज किसान क्रांति यात्रा यूपी दिल्ली बॉर्डर पर पहुंची, लेकिन पुलिस ने किसानों को दिल्ली में पैर नहीं रखने दिया। गाजीपुर सीमा पर ही पुलिस ने किसानों को रोक दिया। इस दौरान पुलिस ने बल प्रयोग भी किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। किसानों के प्रदर्शन को देखकर गृह मंत्री ने मीटिंग भी बुलाई, लेकिन बातचीत से भी मामला नहीं सुलझा। जब जब किसानों का आक्रोश बढ़ता है, तब तब तस्वीरें ऐसी ही होती हैं। एक बार फिर अन्नदाताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। कर्ज माफी, फसल के उचित दाम, बिजली के बढ़े दाम वापस लेने की मांग, 60 साल की उम्र वाले किसानों के लिए पेंशन की मांग समेत 11 मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किसान क्रांति यात्रा निकाल रहे हैं। हरिद्वार से शुरू हुई इस यात्रा को आज दिल्ली पहुंचना था, लेकिन यूपी दिल्ली बॉर्डर पर ही पुलिस ने किसानों को रोक दिया। किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें कई किसान घायल हो गए। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई के बावजूद किसान टस से मस नहीं हुए। किसानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार सारी मांगे नहीं मान लेती, हम नहीं हिलेंगे। वहीं इस प्रदर्शन को कई राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है। कांग्रेस, सपा, बसपा समेत कई दलों ने इसे मोदी सरकार की तानाशाही बताया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार हिटलर की तरह काम कर रही है। राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया और कहा कि गांधी जयंती पर कैसा अन्याय हो रहा है। वहीं किसानों को विपक्ष का साथ मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ा सकता है, इसलिए केंद्रीय मंत्री किसानों को मनाने में जुट गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आगे आए, लेकिन बात नहीं बनी। सरकार ने कुल 7 मांगे मानी, जबकि किसान सभी मांगों को पूरा करने पर अड़ गए। वहीं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश सिंह टिकैत ने कहा कि सरकार की मंशा किसानों की बात मानने की नहीं है। टिकैत ने कहा कि सरकार के साथ वार्ता नाकाम रही, इसलिए गाजीपुर बॉर्डर पर किसान रात भर प्रदर्शन करेंगे। अब जब तक किसानों की बातें नहीं मान लेती, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। अब देखना है कि सरकार कब तक झुकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।